हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय, बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा। स्वागत करता हूँ आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5 ऑफ स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, जिसमें कि मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ अबाउट प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, प्लांट ब्रीडिंग, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। सो लिसन केयरफुली। प्लांट ब्रीडिंग, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है प्लांट ब्रीडिंग। अपने प्रीवियस लेक्चर्स में मैं डिस्कस कर चुका था अबाउट एनिमल ब्रीडिंग। जैसे हम एनिमल ब्रीडिंग परफॉर्म करते हैं, राइट, इसी तरीके से प्लांट ब्रीडिंग होता है। प्लांट ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं, जेनेटिक इंप्रूवमेंट करते हैं एनिमल्स का। एनिमल ब्रीडिंग में हमारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं, लाइक इनब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इसके अलावा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे ही प्लांट ब्रीडिंग में भी जेनेटिक क्रॉप्स के जेनेटिक इंप्रूवमेंट किया जाता है। जैसे एनिमल्स का जेनेटिक इंप्रूवमेंट किया जाता है, ऐसे ही क्रॉप्स का जेनेटिक इंप्रूवमेंट किया जाता है इन केस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। सो लिसन केयरफुली। तो प्लांट ब्रीडिंग में, इन प्लांट ब्रीडिंग, दिस इज द मेथड to improve, this is the method of genetic improvement of crops. Crops का जो genetic improvement है, that method is called plant breeding method. ठीक है, this is the genetic improvement of crops. So the genetic improvement of crop is called plant breeding. Genetic improvement ऑफ क्रॉप्स का जो जेनेटिक इंप्रूवमेंट है, दैट यू कॉल्ड प्लांट ब्रीडिंग। तो क्रॉप्स के जेनेटिक इंप्रूवमेंट को आप प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। इज दैट क्लियर? जो प्लांट ब्रीडिंग है, ये जो जेनेटिक इंप्रूवमेंट है, यू नो, एग्रीकल्चर के बारे में आपने पढ़ा होगा। एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर की हेल्प से हम क्रॉप्स का और प्लांट्स का प्रोडक्शन कराते हैं। Is that clear to all of you? तो ये जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है इसको ह्यूमन बींग एंसेंट टाइम से करता आ रहा है। लगभग 10,000 से 11,000 साल पहले से ह्यूमन बींग जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करता आ रहा है, यानी कि प्लांट ब्रीडिंग जो है वो 10,000 से 11,000 साल पुरानी है। दिस इज नॉट समथिंग न्यू, ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नई चीज है। हालांकि वो बात अलग है कि मॉडर्न टाइम में प्लांट ब्रीडिंग के जो मेथड्स है वो हाईली मॉडिफाइड हो चुके हैं, हाईली टेक्निकल हो चुके हैं, लेकिन प्लांट ब्रीडिंग और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो ह्यूमन बींग परफॉर्म करता आ रहा है, लगभग एंसेंट टाइम से परफॉर्म करता आ रहा है, 10,000 से 11,000 साल पहले जब ह्यूमन बींग ने अपने आप को सेटल करना स्टार्ट किया था, तब से ही एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया और तब से ही प्लांट ब्रीडिंग भी डेवलप होने स्टार्ट हुई। इज दैट क्लियर? तो प्लांट ब्रीडिंग इज नॉट समथिंग न्यू, दैट इज वेरी ओल्ड, बट प्रेजेंट टाइम में जो प्लांट ब्रीडिंग है, वो जो है प्लांट ब्रीडिंग इनकेस ऑफ प्रेजेंट टाइम में जो प्लांट ब्रीडिंग है वो हाईली मॉडिफाइड हो चुकी है। उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जेनेटिक इंप्रूवमेंट के लिए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो प्लांट ब्रीडिंग इज व्हाट? जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स के जेनेटिक इंप्रूवमेंट को आप प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं, राइट? ऐसे ही प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड कुछ यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। फॉर एग्जाम्पल, एक होता है डोमेस्टिकेशन। तो जैसे जैसे ह्यूमन बींग ने अपने आप को सेटल करना स्टार्ट किया, वैसे वैसे उसने वाइल्ड वैरायटीज को डोमेस्टिकेटेड किया, वाइल्ड एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन किया, वाइल्ड प्लांट्स का डोमेस्टिकेशन किया। जितनी भी प्रेजेंट डेज में जितनी भी क्रॉप्स आप देखते हैं, मॉडर्न एरा में जितनी भी क्रॉप्स है, दीज ऑल आर द रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन इन द पास्ट, राइट? पास्ट में डोमेस्टिकेशन हुआ इन क्रॉप्स का, राइट? जिसकी वजह से आज जो क्रॉप्स की जितनी भी वैरायटी हैं, ये पहले वाइल्ड प्लांट्स होते थे, लेकिन ह्यूमन बींग ने इनको जो है इनका डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या है? डोमेस्टिकेशन का मतलब है, डोमेस्टिकेशन किसे कहते हैं? दिस इज द ब्रिंगिंग ऑफ वाइल्ड वैरायटीज of plants or crops, bringing of wild varieties under human management. तो wild variety को human management के under ले आना ही domestication है। तो plant breeding से related कुछ terminology है ये। तो domestication का मतलब है wild variety,
ऐसी वाइल्ड वैरायटी जो कि नेचुरली पाई जाती थी, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, उसको ह्यूमन मैनेजमेंट के अंदर अंदर ले आए। अब हम यहां पे जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, तो एक चीज और यहां पे आपको क्लियर होनी चाहिए, एक टर्म होता है वैरायटी। वैरायटी मतलब राइट ग्रुप ऑफ प्लांट्स विथ सिमिलर फीचर्स, तो ग्रुप ऑफ प्लांट विथ सिमिलर फीचर्स दैट यू कॉल्ड वैरायटी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऐसी एक टर्म आप इस्तेमाल करते हैं ट्रेट और करैक्टर। तो ट्रेट और करैक्टर क्या है? किसी भी प्लांट का मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, आर यू गेटिंग फिज और फिजिकल फीचर, इज दैट क्लियर? तो दैट यू कॉल्ड व्हाट? ट्रेट और करैक्टर। एक टर्म है यहां पे ट्रेट और करैक्टर, दिस इज दी मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल फीचर ऑफ प्लांट। तो प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी थी, ये मुझे बताना बहुत जरूरी था, राइट? यू नो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, राइट, हमारी आबादी बढ़ती गई तो हमारी फूड डिमांड भी बढ़ती गई, ठीक है। हम जो है पहले जो है परफॉर्म करते थे कुछ ट्रेडिशनल मेथड से, प्लांट ब्रीडिंग को परफॉर्म कराया जाता था जिससे कि फूड प्रोडक्शन इतना ज्यादा नहीं होता था। अभी कुछ यू नो न्यू टेक्निक्स डेवलप हो गई है प्लांट ब्रीडिंग को परफॉर्म करने के लिए, जिसकी वजह से हमारी फूड डिमांड पूरी होने लगी है। तो प्लांट ब्रीडिंग एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के फील्ड में ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये बहुत जरूरी है परफॉर्म करना, अदरवाइज तो हमारी फूड डिमांड पॉसिबल, हमारी फूड डिमांड जो है पूरी नहीं हो पाएगी। तो जेनेटिक इंप्रूवमेंट होना बहुत जरूरी है। अब मैंने आपको बता दिया प्लांट ब्रीडिंग क्या है। प्लांट ब्रीडिंग मतलब दिस इज द जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स। डोमेस्टिकेशन मतलब क्या होता है कि कोई भी वाइल्ड वैरायटीज को, इफ यू ब्रिंग द वाइल्ड वैरायटीज अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट, राइट, सो ब्रिंगिंग ऑफ वाइल्ड वैरायटीज अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिकेशन। वैरायटी का मतलब क्या होता है? वैरायटी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ प्लांट्स विद सिमिलर करेक्टर्स और सिमिलर फीचर्स। वही एक ट्रेट और करेक्टर आप टर्म यूज करते हैं, दिस इज दी व्हाट, दिस इज दी फिजियोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ प्लांट्स होते हैं। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी। अब मैं बात करता हूं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग की जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है प्लांट ब्रीडिंग का वो है प्रोडक्टिविटी। प्लांट ब्रीडिंग का पहला ऑब्जेक्टिव प्रोडक्टिविटी है, यानी कि प्रोडक्शन को बढ़ाना ही हमारा अल्टीमेट एम है। तो प्लांट ब्रीडिंग जो परफॉर्म की जाती है वो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए की जाती है। तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए प्लांट ब्रीडिंग परफॉर्म की जाती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पे अब मैं बता रहा हूं आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। सो लिसन केयरफुली। सो नेक्स्ट इज व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग की ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है प्लांट ब्रीडिंग का वो है प्रोडक्टिविटी, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, हायर प्रोडक्टिविटी चाहिए हमें प्लांट ब्रीडिंग को परफॉर्म। आप किस लिए कर रहे हैं? प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, राइट? पॉपुलेशन की डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना बहुत जरूरी है और उसके लिए प्लांट ब्रीडिंग परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। इसके बाद मैं मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग भी डिस्कस करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग बता रहा हूँ यहाँ पे। तो लिसन केयरफुली, सबसे पहली जो ऑब्जेक्टिव है प्लांट ब्रीडिंग की वो है हाई प्रोडक्टिविटी। हमारी जो मेन डिमांड है वो है कि प्रोडक्टिविटी हाई होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? मेन डिमांड हमारी क्या है? हाई प्रोडक्टिविटी। उसके बाद हाई प्रोडक्टिविटी के बाद हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होनी चाहिए क्रॉप्स की वो हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। थर्ड हाई वाटर यूसेज, वॉटर एंड मिनरल यूसेज, हाई वॉटर एंड मिनरल यूसेज। इसके अलावा डिजीज रेजिस्टेंट होना चाहिए इन वैरायटी को। क्या होना चाहिए? डिजीज रेजिस्टिविटी। यहां पे क्रॉप्स में डिजीज रेजिस्टिविटी भी डेवलप करनी है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके अलावा डिजीज रेजिस्टिविटी हो गया, हाई वॉटर एंड मिनरल यूसेज हो गया। इसके अलावा और भी यहां पे राइट हमारी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं प्लांट ब्रीडिंग की काफी सारी हैं। फॉर एग्जांपल और भी हैं यहाँ पे, तो डिजीज रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, हाई प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होनी चाहिए। इसके अलावा रेजिस्टेंस टू एबायोटिक स्ट्रेस।
स्ट्रेसफुल कंडीशन में प्लांट आसानी से ग्रो कर सके, ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है। रेजिस्टेंट टू अबायोटिक स्ट्रेस, रेजिस्टेंस टू अबायोटिक स्ट्रेस, वाटर टेम्परेचर, इन सबके लिए वो रेजिस्टेंट होना चाहिए। इसके अलावा शॉर्टर लाइफ साइकिल, जिससे कि जल्दी जल्दी प्रोडक्शन कराया जा सके, शॉर्टर लाइफ स्पैन, ये भी हमारा एक अल्टीमेट एम होता है। इसके अलावा राइट, तो ये कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं प्लांट ब्रीडिंग की। अब मैं प्लांट ब्रीडिंग के मेथड्स बता रहा हूं आपको, व्हाट आर द मेजर मेथड्स, राइट, व्हाट आर द मेजर पॉइंट्स कि आप प्लांट ब्रीडिंग परफॉर्म कैसे करते हैं, ये आपको बताना चाहिए। तो प्लांट ब्रीडिंग समझ आ गया, दिस इज द जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स। व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स, मैंने आपको बताया, हाई प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होनी चाहिए, हाई वाटर एंड मिनरल यूसेज होना चाहिए, डिजीज रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, रेजिस्टेंस टू अबायोटिक स्ट्रेस, उस क्रॉप्स में रेजिस्टेंस टू अबायोटिक स्ट्रेस होना चाहिए, एग्जैक्टली डिजीज रेजिस्टेंट होना चाहिए, रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट और पेस्ट, ये भी आप लिख सकते हैं, दिस क्रॉप शुड बी रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, इंसेक्ट एंड पेस्ट रेजिस्टेंट होना भी जरूरी है। तो ये कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं प्लांट ब्रीडिंग के, तो ये प्लांट ब्रीडिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके बाद व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस, इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, सो लिसन केयरफुली, नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, व्हाट आर द मेजर मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, लिसन केयरफुली। तो जो मेजर मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग है वो कौन कौन से मेथड है प्लांट ब्रीडिंग के, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। देखिए प्लीज, विच स्टेप्स यू विल फॉलो टू परफॉर्म द प्लांट ब्रीडिंग, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। सो द नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग के मेथड्स कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। सो द मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, देखिए मेथड्स कौन कौन से यहाँ पे प्लांट ब्रीडिंग को परफॉर्म करने के, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्लांट ब्रीडिंग को परफॉर्म करने वाले मेजर जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, जितने भी टाइप का कलेक्शन है, मतलब जितने भी टाइप की वैरायटी है, उन वैरायटी को कलेक्ट करना, ये इसका पहला मेथड है, पहला स्टेप है प्लांट ब्रीडिंग में जो आप परफॉर्म करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी के बाद सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स के बाद रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन कराया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, तो रिकॉम्बिनेंट्स बनाते हैं, उसमें से फिर सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स, उसमें से सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स का सिलेक्शन करते हैं। इसके बाद नंबर फिफ्थ स्टेप इज व्हाट, सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स, सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स के बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद टेस्टिंग, ग्लीजिंग एंड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। देखिए तो ये फाइव मेजर स्टेप्स है जिसमें कि आप प्लांट ब्रीडिंग को परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप मैंने लिखा कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, फिर रिकॉम्बिनेशन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, राइट, इसके बाद सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स, और लास्ट वाला जो स्टेप है टेस्टिंग, रिलीज एंड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। तो इनको मैं डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं, सो लिसन केयरफुली। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी की, इसकी कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी की, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी
अगर बात करें कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी की, तो ध्यान दीजिए प्लीज, लिसन केयरफुली। तो कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी में आप जर्म प्लाज्म कलेक्शन करते हैं। पहला पॉइंट, जर्म प्लाज्म कलेक्शन, जर्म प्लाज्म कलेक्शन करते हैं। जर्म प्लाज्म कलेक्शन का मतलब है कलेक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एलील्स एंड जीन्स। जितने भी पर्टिकुलर क्रॉप्स के एलील्स प्रेजेंट है, जितने भी जीन्स प्रेजेंट है, उन सारे एलील्स और उन सारे करेक्टर्स वाले राइट प्लांट्स को आपको सेलेक्ट करना है, इसलिए इसको जर्म प्लाज्म कलेक्शन कहा जाता है। जर्म प्लाज्म कलेक्शन का मतलब है कलेक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ एलील्स और ऑल टाइप ऑफ जीन्स। तो जर्म प्लाज्म कलेक्शन का मतलब है कलेक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ एलील्स। जितने भी टाइप के एलील्स होते हैं उन सभी का कलेक्शन करना ही जर्म प्लाज्म कलेक्शन है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा, तो यहाँ पे जर्म प्लाज्म कलेक्शन करते हैं तो जितने भी टाइप के एलील्स हैं या जितने भी टाइप की वैरायटी है, ऑल टाइप ऑफ वैरायटी शुड बी कलेक्ट। तो यहाँ पे सारी वैरायटी कलेक्ट होनी चाहिए, ऑल टाइप्स ऑफ वैरायटी, जितनी भी वैरायटीज हैं, ऑल टाइप्स ऑफ वैरायटी शुड बी कलेक्टेड। जितने भी वैरायटीज हैं वो सारी की सारी कलेक्ट होनी चाहिए। ये जो वैरायटीज हैं जर्म प्लाज्म कलेक्शन में, यानी कि एक पर्टिकुलर आप सुपीरियर क्रॉप को डेवलप करना चाहते हैं, सुपीरियर क्रॉप को डेवलप करने के लिए आपको सारी वैरायटी को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब सारी वैरायटी आप सेलेक्ट करेंगे, फिर उन सारी वैरायटी का आप इवैल्यूएशन करेंगे, इवैल्यूएशन करने के बाद उसमें से सुपीरियर वैरायटी को आप सुपीरियर वैरायटी को सेलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए आपके पास ये सारा कलेक्शन होना जरूरी है। तो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म, यानी कि जितने भी एलील है, जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जितने भी फीचर्स हैं प्लांट्स के, उन सभी को आपको कलेक्ट करना है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे जितनी भी वैरायटीज है सबको कलेक्ट कर लीजिए, ऑल वैरायटीज शुड बी कलेक्टेड, राइट। तो सारी वैरायटीज आप कलेक्ट कीजिए, और इन वैरायटीज में कौन कौन सी वैरायटीज आप कंसीडर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल न्यू कल्टीवेटेड वैरायटीज, इसमें न्यू कल्टीवेटेड वैरायटीज को आप कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ओल्ड वैरायटीज, वाइल्ड वैरायटीज, तो ऑल टाइप ऑफ कलेक्शन आपको करना है, ओल्ड वैरायटीज, न्यू कल्टीवेटेड वैरायटीज, राइट, इंप्रूव्ड वैरायटीज, जो भी इंप्रूव्ड वैरायटीज है, सारी की सारी वैरायटीज को आपको कलेक्ट करना है। जर्म प्लाज्म कलेक्शन का ये अल्टीमेट एम होता है। अब आपने जो है सारी वैरायटीज को कलेक्ट कर लिया। सारी वैरायटीज को कलेक्ट करने के बाद अब सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स किया जाता है। तो सबसे पहले स्टेप में जितनी भी वैरायटीज है उन सभी को कलेक्ट किया, उन सभी को सिलेक्ट किया और कलेक्ट किया। तो कलेक्ट करने के बाद उनका सिलेक्शन होगा। सबसे पहले कलेक्ट किया। तो जितनी भी वैरायटीज है, ओल्ड वैरायटीज, न्यू वैरायटीज, वाइल्ड वैरायटीज, ऑल टाइप ऑफ वैरायटी जितनी भी एग्जिस्ट करती हैं पर्टिकुलर क्रॉप की, उन सभी को आपने कलेक्ट कर लिया। अब उन सभी वैरायटीज को आपने कलेक्ट कर लिया, लेकिन उसमें से सुपीरियर वैरायटी को आप सेलेक्ट करेंगे। तो अगला जो टॉपिक है वो है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स मतलब वो सुपीरियर वैरायटी जिसकी आपको आगे जाके क्रॉसिंग परफॉर्म करानी है, या जिसकी आपको इम्प्रूवमेंट क्रॉप डेवलप करनी है। तो जेनेटिक इंप्रूवमेंट जिसमें करना है उसको आपको सिलेक्ट करना है, और वो जो होनी चाहिए वो बिल्कुल सुपीरियर होनी चाहिए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ध्यान दीजिएगा, लिसन केयरफुली। सो द नेक्स्ट इज प्लीज लिसन केयरफुली तो इसके बाद है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। सेकेंड स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। यहां पे आपको पेरेंट्स का सिलेक्शन करना है। अभी आपने जितना भी जर्म प्लाज्म कलेक्शन किया है, ओल्ड, न्यू, वाइल्ड, जितनी भी वैरायटीज है, उसमें से एक पर्टिकुलर पेरेंट्स को सिलेक्ट करना है। उसका सबसे पहले इवेल्युएशन करना है, और इवेल्युएशन के बाद सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स में क्या करते हैं, इवेल्युएशन ऑफ
जर्म प्लाज्म कलेक्शन सबसे पहले इवेल्यूशन करते हैं एंड सेलेक्ट ए सुपीरियर वैरायटी। उसके बाद एक सुपीरियर वैरायटी को सेलेक्ट किया था। ये सुपीरियर वैरायटी क्या है, जिसको आप पेरेंट्स बोलते हैं, जिसकी आपको जिसमें आपको जेनेटिक इंप्रूवमेंट कराना है। इज दैट क्लियर? तो कलेक्शन के बाद सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स हो गया। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो हमारा रिकॉम्बिनेशन, यानी कि क्रॉसिंग ओवर। अब सुपीरियर वैरायटी के पेरेंट्स आपको मिल गए, अब उन पेरेंट्स में आप जो है क्रॉसिंग कराएंगे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म कराएंगे, राइट, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। तो अगला स्टेप जो है प्लांट ब्रीडिंग का, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। तो यहां पे रिकॉम्बिनेंट्स की फॉर्मेशन करनी है। तो फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स का मतलब क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ध्यान दीजिए। तो यहां पे क्रॉसिंग, जिसको आप आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं, क्रॉसिंग और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन सुपीरियर पेरेंट्स जो आपने सेलेक्ट किए हैं, बिटवीन सुपीरियर पेरेंट्स। तो सुपीरियर पेरेंट्स जो कि आपने सेलेक्ट किए हैं, राइट, उनकी क्रॉसिंग करानी है, उनके बीच में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म कराना है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है क्रॉसिंग बिटवीन, राइट, टू सुपीरियर वैरायटी और स्पीसीज। मतलब दो डिफरेंट प्लांट्स में आप क्रॉसिंग करा रहे हैं, राइट, पॉलिनेशन अचीव करा रहे हैं, दैट यू कॉल्ड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में डिस्कस कर चुका हूं। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, दैट इज द क्रॉस पॉलिनेशन कैरिड आउट बाय मैन। इसमें आप इमैस्कुलेशन करते हैं, इमैस्कुलेशन का मतलब रिमूवल ऑफ एंथर, जिससे कि आपको अनडिजायरेबल पोलन ग्रेन लैंड नहीं कराने देने, सेल्फिंग को रोकना है। सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए आप जो है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए इमैस्कुलेशन करते हैं। इमैस्कुलेशन के बाद उसको बैगिंग कर दिया जाता है कंटेमिनेशन को रोकने के लिए। तो दो स्टेप परफॉर्म किए जाते हैं, एक इमैस्कुलेशन और दूसरा बैगिंग। इमैस्कुलेशन सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए एंथर को आप रिमूव कर देते हैं, जिससे कि सेम एंथर के पोलन ग्रेन्स लैंड ना कर पाए स्टिग्मा पे। उसके बाद आप उसकी बैगिंग करते हो जब तक स्टिग्मा मेच्योर नहीं हो जाता, जब तक आप उस प्रोसेस को परफॉर्म नहीं कर लेते, फिर रीबैगिंग भी किया जाता है। तो कंटेमिनेशन को रोकने के लिए बैगिंग किया जाता है, ये मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। सो नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि ऑलरेडी मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में डिस्कस कर चुका हूं। तो इसके बाद क्या है, क्रॉसिंग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन सुपीरियर पेरेंट्स। आपने सुपीरियर पेरेंट्स के बीच में क्रॉसिंग करा ली, आप कैसे बताएंगे कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक सुपीरियर है, ठीक है। यहां पे आप क्रॉसिंग परफॉर्म कर रहे हैं सुपीरियर पेरेंट्स के बीच में, लेकिन उनकी सुपीरियर, उनका जो सुपीरियर करेक्टर है ये आपको पता होना चाहिए। सुपीरियर पेरेंट्स का मतलब ये होता है कि उसके अंदर सारे डिजायरेबल करेक्टर होने चाहिए। पहला पॉइंट, आप सुपीरियर पेरेंट्स के बीच में क्रॉसिंग करा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप ये एंश्योर कर ले कि वो जो पेरेंट्स है उसके पास सारे डिजायरेबल करेक्टर है या नहीं है, अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर डिमांड। आपकी डिमांड के हिसाब से, आपकी नीड के हिसाब से क्या उसके पास सारे करेक्टर है या नहीं है, ये भी एंश्योर करना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे जो आपने पेरेंट्स सेलेक्ट किया था उनके बीच में क्रॉसिंग तो करा रहे हैं आप यहाँ पे, लेकिन उस सुपीरियर पेरेंट्स के पास क्या होनी चाहिए, सुपीरियर पेरेंट्स के पास ऑल डिजायरेबल करेक्टर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, ऑल डिजायरेबल करेक्टर्स, जितने भी डिजायरेबल करेक्टर्स हैं वो सारे के सारे सुपीरियर पेरेंट्स के पास होने चाहिए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ऑल डिजायरेबल करेक्टर्स इसके पास, सुपीरियर पेरेंट्स के पास ऑल डिजायरेबल करेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, आपने दो पेरेंट्स का सिलेक्शन किया है और उन दोनों पेरेंट्स के पास कुछ अलग अलग डिजायरेबल करेक्टर है। आपको सपोज दैट एक प्लांट चाहिए जिसमें कि डिजीज रेजिस्टिविटी हो और दूसरा वो प्रोटीन रिच हो, यानी कि न्यूट्रिशनल वैल्यूज की अच्छी हो और दूसरा वो डिजीज रेजिस्टेंट भी हो। ये आपकी एक मेजर अप्रोच है, यानी कि ये आपका एक मेजर करेक्टर है जो कि आपको चाहिए। तो आप जो है एक प्लांट जो कि प्रोटीन रिच है और दूसरा प्लांट जो कि राइट डिजीज रेजिस्टेंट है, तो आपको नया कॉम्बिनेशन तैयार करना है। तो नए कॉम्बिनेशन तैयार करने के लिए रिकॉम्बिनेशन करेंगे। आपने दो सुपीरियर पेरेंट्स को सिलेक्ट किया, सपोज दैट एक सुपीरियर पेरेंट्स के पास प्रोटीन ज्यादा है, दूसरे सुपीरियर पेरेंट्स में क्या है, वो क्या है, डिजीज रेजिस्टेंट करेक्टर है। आपको तो दोनों करेक्टर चाहिए, तो दोनों कंबाइंड करेक्टर चाहिए, तो आप दोनों की क्रॉसिंग करा देंगे। तो जिससे कि जो नई वैरायटी बनेगी उसमें दोनों कंबाइंड करेक्टर आएंगे, वो डिजीज रेजिस्टेंट भी होगा और इसके अलावा राइट उसमें प्रोटीन कंटेंट भी अच्छा होगा। तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स आपने कर लिया, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स के बाद आपने उस सुपीरियर पेरेंट्स जो कि एक डिजीज रेजिस्टेंट है
इसको फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करके चलते हैं, जो कि एक डिजीज रेजिस्टेंट है और दूसरा प्रोटीन एनरिच कंटेंट, जिसमें प्रोटीन रिच कंटेंट्स ज्यादा हैं, उन दोनों के बीच में क्रॉसिंग कराई तो यू विल गेट दी सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट, उससे आपको एक सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट मिलेगा। अब यहाँ पे जो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराई जाती है, इस प्रोसेस में जो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराई जा रही है, यानी कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो कराई जा रही है, या क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन आप बोलते हैं इसको, तो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन जो परफॉर्म की जाती है वो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप की होती है ये भी आप एक बार देख लीजिए, लिसन केयरफुली। तो यहां पे जो टाइप्स ऑफ क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन है कितने टाइप्स के होते हैं, ये इस टॉपिक में एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आपको समझ आना चाहिए। जैसे कि ये क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन नंबर वन, दीज कैन बी इंट्रा वेराइटल, दीज कैन बी इंटर वेराइटल, और इसके अलावा ये इंटर स्पेसिफिक भी हो सकते हैं एंड इंटर जेनेरिक भी हो सकते हैं। तो ये फोर टाइप्स के कुछ यू नो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन है। तो इंट्रा वेराइटल हो सकता है, इंटर वेराइटल हो सकता है, इंटर स्पेसिफिक हो सकता है, इंटर जेनेरिक हो सकता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ध्यान दीजिएगा, लिसन केयरफुली। तो ये कैसे होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। What is intravarietal? Intravarietal का मतलब क्या है? This is the crossing between the same varieties. अगर same varieties में आप crossing करा रहे हैं, of a particular species की same varieties में आप crossing करा रहे हैं, right? यानी कि same varieties के plants में आप crossing करा रहे हैं, that you call intravarietal. जिसे कि आप क्या कहते हैं? Intravarietal कहते हैं. So listen carefully. देखिए, तो मैं बात कर रहा हूं इंट्रा वेराइटल की। इंट्रा वेराइटल मतलब दिस इज द क्रॉसिंग बिटवीन सेम वेराइटीज। अगर सेम वेराइटीज के बीच में क्रॉसिंग हो रही है, दोनों वेराइटीज सेम है, राइट, दोनों के बीच में क्रॉसिंग हो रही है, इसको आप इंट्रा वेराइटल बोलते हैं। यहां पे भी ऐसा देखा जाता है कि दो वैरायटी में थोड़े बहुत करेक्टर ऐसे होते हैं जो कि मैच नहीं करते हैं। कुछ वैरायटी ऐसी होती हैं, राइट, मतलब वैरायटीज में भी थोड़े बहुत चेंजेस देखे जाते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से चेंजेस तो आते ही हैं। तो सेम वैरायटी के बीच में सुपीरियर पेरेंट्स को सुपीरियर प्रोजेनी को ऑब्टेन करने के लिए, सुपीरियर ऑफस्प्रिंग को ऑब्टेन करने के लिए आप इंट्रा वैरायटल करेक्टर क्रॉसिंग भी करा सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? इसके बाद क्या है? इंटर वैरायटल। नेक्स्ट इज इंटर वैरायटल। अगला है इंटरवराइटल। इंटरवराइटल का मतलब क्या है? दिस इज द क्रॉसिंग बिटवीन द डिफरेंट वैरायटी ऑफ सेम स्पीसीज। तो सेम स्पीसीज की डिफरेंट वैरायटी के बीच में जो क्रॉसिंग कराई जाती है, इसे आप इंटरवराइटल कहते हैं। दिस इज द क्रॉसिंग बिटवीन डिफरेंट वैरायटीज, दो डिफरेंट वैरायटीज, बिटवीन टू डिफरेंट वैरायटी। भाई दो डिफरेंट वैरायटीज होगी, एक मेल पेरेंट होगा और फीमेल पेरेंट होगा, ठीक है? तो मेल और फीमेल पेरेंट है, तो क्रॉसिंग बिटवीन टू डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सेम स्पीसीज। तो बेटा यहां पे इसको आप इंटर वैरायटल को इंट्रा स्पेसिफिक भी कह सकते हैं, क्योंकि सेम स्पीसीज में हो रहा है, तो ये भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है? तो क्रॉसिंग बिटवीन सेम वैरायटीज, दैट यू कॉल इंट्रा वैरायटल। Intervarietal crossing between different varieties of same species, that is called intravarietal. इसका एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल दो intravarietal species के नाम बता रहा हूं मैं, गंगा एंड रंजीत ऑफ मेज। ये दो different variety है, गंगा एंड रंजीत ऑफ मेज वैरायटीज। तो ये दोनों गंगा और रंजीत दो मेज वैरायटीज हैं, राइट, ये एग्जांपल है इंट्रा वैरायटल का। एग्जैक्टली, इसके बाद तीसरा कौन सा है? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, है ना? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन देखिए, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज द क्रॉसिंग बिटवीन two different species of same genus,
या सेम जेनेरा। तो दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में जो क्रॉसिंग हो रही है दैट यू कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन मैं आपको एनिमल ब्रीडिंग में भी डिस्कस कर चुका हूँ। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन एनिमल ब्रीडिंग में भी देखी जाती है, एग्जाम्पल मैंने म्यूल एंड हिंदी बताया था आपको। ऐसी इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन जो है वो देखा जाता है यहाँ पे प्लांट्स में, यानी कि क्रॉप्स में भी देखा जाता है। सो दिस इज द क्रॉसिंग बिटवीन, दिस इज द क्रॉसिंग बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज। दिस इज द क्रॉसिंग बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज, राइट। दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में जो क्रॉसिंग हो रही है उसे आप इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ राइस, ठीक है, एक स्पीसीज का नाम है ओराइजा जैपोनिका, दूसरी स्पीसीज का नाम है ओराइजा जैपोनिका, और दूसरी स्पीसीज का नाम है ओराइजा इंडिसस। ये दोनों डिफरेंट स्पीसीज है, ओराइजा जैपोनिका एंड ओराइजा इंडिसस। तो दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में क्रॉसिंग कराई गई, और क्रॉसिंग कराने के बाद एक सुपीरियर वैरायटी को लिया गया जिसका नाम था ADT37। एक सुपीरियर वैरायटी ऑफ राइस को आपने ऑब्टेन किया, दो डिफरेंट नॉट वैरायटी, दो डिफरेंट स्पीसीज, एक सुपीरियर वैरायटी को आपने ऑब्टेन किया जिसका नाम था ADT37। दिस इज द सुपीरियर वैरायटी ऑफ राइस। ये इट वॉज द रिजल्ट ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ राइस क्रॉसिंग, राइट। दो डिफरेंट स्पीसीज की क्रॉसिंग का रिजल्ट थी ADT37, जो कि अपने आप में एक सुपीरियर कैरेक्टर डेवलप कर रही थी। तो ये दो डिफरेंट स्पीसीज कौन सी थी, ओराइजा जैपोनिका एंड ओराइजा इंडिसस। जब ओराइजा जैपोनिका और ओराइजा इंडिसस इन दो डिफरेंट स्पीसीज में क्रॉसिंग कराई गई तो यू ऑब्टेन ADT37 सुपीरियर वैरायटी ऑफ राइस। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये हो गया डिफरेंट स्पीसीज में क्रॉसिंग। इसके बाद है इंटर जेनेरिक क्रॉसिंग, ठीक है, इंट्राजेनेरिक होगा बेटा, ये इंटरजेनेरिक नहीं होगा, इंटरजेनेरिक ही होगा, ठीक है, इंटरजेनेरिक ही होगा, ठीक है। तो इंटरजेनेरिक बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, लिसन केयरफुली। इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान दो प्लीज, उसके बाद हमारा जो अगला क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन का मेथड है वो है इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। तो ध्यान दीजिए प्लीज, नेक्स्ट इज इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। तो हम इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं। इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है? दिस इज द क्रॉसिंग बिटवीन टू डिफरेंट जेनेरा, दो डिफरेंट जेनेरा के बीच में जो क्रॉसिंग कराते हैं आप, दैट यू कॉल्ड इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि दो डिफरेंट जीनस के बीच में, ये बहुत ही रेयरली पॉसिबल होता है, ये प्लांट्स में पॉसिबल है, एनिमल्स में पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट दिस इज रेयरली पॉसिबल, राइट। तो रेयरली पॉसिबल होता है ये, दो डिफरेंट जीनस के बीच में क्रॉसिंग करा के आप एक नई वेराइटी डेवलप करते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। तो इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज द क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट जेनेरा। फॉर एग्जाम्पल, इसके जो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, एक वैरायटी है जिसका नाम है ट्रीटी केल, दिस इज द इंटरजेनेरिक वैरायटी ऑफ वीट एंड राई। तो ये इंटरजेनेरिक वैरायटी है, किसके बीच में क्रॉसिंग का रिजल्ट है, ये वीट एंड राई की इंटरजेनेरिक वैरायटी है जिसको आप ट्रीटी केल बोलते हैं। ऐसी एक वैरायटी और है रेफेनो ब्रेसिका, तो रेफेनो ब्रेसिका दिस इज ऑल्सो इंटरजेनेरिक वैरायटी ऑफ कैबेज एंड ब्रेसिका, यानी कि मस्टर्ड। तो कैबेज और मस्टर्ड के बीच, यानी कि ब्रेसिका के बीच का, राइट, का इंटरजेनेरिक वैरायटी ट्रीटी केल एंड रेफेनो ब्रेसिका। तो ये हो गया क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। तो आपने सबसे पहले कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म किया, ऑल वैरायटी के प्लांट्स को कलेक्ट किया, ऑल टाइप के एलील को कलेक्ट किया, न्यू एलील्स को कलेक्ट किया,
न्यू कल्टिवेटेड क्रॉप्स को कलेक्ट किया, वाइल्ड वैरायटीज को कलेक्ट किया, आर यू गेटिंग ऑर नॉट, ऑल वैरायटीज को कलेक्ट किया, देसी वैरायटीज को कलेक्ट किया, तो ऑल टाइप ऑफ वैरायटी को आपने कलेक्ट कर लिया इन कलेक्शन ऑफ जर्मप्लाज्म। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट, आपका जो नेक्स्ट एम होता है, उन सभी जर्मप्लाज्म कलेक्शन में से आपको सुपीरियर टाइप के पेरेंट को सिलेक्ट करना है, यानी कि जर्मप्लाज्म में जितना भी आपके पास कलेक्शन है, इज दैट क्लियर, उस पूरे के पूरे कलेक्शन को राइट आपको जो है उस पूरे के पूरे कलेक्शन से सुपीरियर टाइप के पेरेंट्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो जर्मप्लाज्म कलेक्शन का एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं, जर्मप्लाज्म कलेक्शन में आप जनरली सीड्स को प्रिजर्व करते हैं, जितने भी वैरायटी के सीड्स हैं, इनके पास जितने भी करेक्टर्स होते हैं, सारी वैरायटी के सीड्स को आप कोल्ड टेम्परेचर पे स्टोर करके रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, जिससे कि फ्यूचर यूज के लिए, सुपीरियर वैरायटी को डेवलप करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सके। तो ये तरीका होता है जर्मप्लाज्म कलेक्शन का। अब आपके पास जितना भी कलेक्शन है, उस पूरे के पूरे कलेक्शन में से आप जो है सुपीरियर वैरायटी के पेरेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, जिसमें कि सुपीरियर करेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि वो सारे डिजायरेबल करेक्टर्स होते हैं जो कि आपको चाहिए। जब आपको सारे डिजायरेबल करेक्टर वाले पेरेंट्स मिल जाते हैं, तो आप क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी आप बोलते हैं, इमैस्कुलेशन, बैगिंग वगैरह, ये मैं आपको डिस्कस कर चुका था पहले ही। तो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन के कुछ मेथड्स हैं यहाँ पे, जैसे कि आपका जो है इंट्रा वैराइटल हो गया, ठीक है, इंटरवराइटल मतलब सेम वैरायटीज के बीच में क्रॉसिंग हो रही है, इंटरवराइटल हो गया। इंटरवराइटल का मतलब क्या होता है, इंटरवराइटल का मतलब है कि दो डिफरेंट वैरायटीज में क्रॉसिंग हो रही है बट दैट बिलोंग्स टू द सेम स्पीसीज। उसके बाद इंटर स्पेसिफिक मतलब दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में। तो इंटरवराइटल का एग्जाम्पल मैंने बताया आपको गंगा एंड रंजीत, मेज वैरायटी है, वही इंटर स्पेसिफिक यानी कि दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में क्रॉसिंग कराई जाती है, ओराइजा इंडिसस एंड ओराइजा जैपोनिका, लिखा है मैंने यहाँ पे, ओराइजा इंडिसस एंड ओराइजा जैपोनिका के बीच में जब क्रॉसिंग कराई तो सुपीरियर वैरायटी की वैरायटी का राइज डेवलप हुआ ADT37। इसका नाम क्या था, ADT37, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। तो इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये है कि जब आप दो डिफरेंट जेनेरा को क्रॉस कराते हैं, तो दो डिफरेंट जेनेरा को क्रॉस कराते हैं, तो यहाँ पे इंटर जेनेरिक हाइब्रिड जो है डेवलप हो जाती है। इसके एग्जांपल है ट्रीटी के वीट एंड राई का, किसका, वीट एंड राई का इंटर जेनेरिक हाइब्रिड है। वही रेफेनो ब्रेसिका, दिस इज दी इंटर जेनेरिक हाइब्रिड ऑफ कैबेज एंड ब्रेसिका, किसका, कैबेज एंड ब्रेसिका। इसके बाद आपने क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म करा लिया, आपके पास अब काफी सारे सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट, यहाँ पे सिलेक्शन करते टाइम, यहाँ पे क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करते टाइम कोई एक आप रिकॉम्बिनेंट डेवलप नहीं करते हैं, यहाँ पे हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स आप डेवलप कर सकते हैं। तो बहुत सारे आपने रिकॉम्बिनेंट डेवलप किए, बहुत सारे आपने क्रॉस कराए, अब इन बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट में से आप एक सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट को सिलेक्ट करेंगे। तो अगला जो हमारा पॉइंट है, अगला जो मेथड है, वो है सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। नंबर फोर इज, पहले आपने सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर पेरेंट्स किया था, अभी सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट आपको देखना है, सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। अगला जो पॉइंट है आपका वो है सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट, यानी कि सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट सिलेक्ट करते हैं आप, जितने भी रिकॉम्बिनेंट आपने बनाए हैं, ये कंपलसरी नहीं है कि उसमें आपके हिसाब से डिजायरेबल करेक्टर्स डेवलप हो जाएंगे, कुछ वहां पे अनडिजायरेबल करेक्टर्स भी डेवलप हो सकते हैं राइट, जो कि आपको नहीं चाहिए। Is that clear? कभी भी रिकॉम्बिनेंट्स बनाते टाइम, आपने काफी सारे रिकॉम्बिनेंट बनाए और रिकॉम्बिनेंट बनाने के बाद उनकी जो है प्योर लाइन क्रिएट की जाती है, उनको बार बार सेल्फिंग करा के देखा जाता है कहीं कोई हार्मफुल करेक्टर तो एक्सपोज नहीं कर जा रहा है, कोई ऐसा होमोजाइगस रिसेसिव करेक्टर तो नहीं है कि प्योर लाइन में सेल्फिंग कराने के बाद वो एक्सपोज कर गया, अगर वो एक्सपोज कर जाएगा तो वो रिकॉम्बिनेंट आपका फेल हो गया। तो यहाँ पे इवेल्युएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट करने के बाद सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे इवेल्युएशन किया जाता है और इवेल्युएशन के बाद सिलेक्शन किया जाता है। तो इवेल्युएशन कैसे करते हैं, जितने भी आपने रिकॉम्बिनेंट डेवलप किए उनकी प्योर लाइन क्रिएट करके देखिए क्या कोई वहां पे हार्मफुल करेक्टर डेवलप हो सकता है क्या फ्यूचर में, अगर वहां पे कोई हार्मफुल करेक्टर डेवलप होता है तो वहीं पे आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो उस रिकॉम्बिनेंट जो आपने डेवलप किए हैं उसका इवेल्युएशन करेंगे और वहां पे देखेंगे कि डिजायरेबल करेक्टर आपके हिसाब से डिजायरेबल करेक्टर कौन से रिकॉम्बिनेंट में डेवलप हो रहे हैं, फिर उसी रिकॉम्बिनेंट को आप सेलेक्ट करेंगे। तो ये अपने आप में प्लांट ब्रीडिंग डेवलप करना एक बहुत ही टेडियस प्रोसेस है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बड़ा लंबा प्रोसेस है, ये इतना आसान काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने जो है क्रॉसिंग कराई
सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर पेरेंट्स तो आपने ले लिए, लेकिन जब क्रॉसिंग कराई आपको डिजायरेबल करेक्टर ही नहीं मिल रहे हैं, या डिजायरेबल आपको करेक्टर मिल रहे हैं तो उसमें कुछ करेक्टर ऐसे भी हो सकते हैं जो कि हार्मफुल, बाद में जो है सेल्फिंग के बाद हार्मफुल हो जाए, हार्मफुल करेक्टर एक्सपोज हो जाए, तो अगर कुछ ऐसा होता है तो वहीं पे आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं, और अगर कुछ ऐसा नहीं होता है तो उस रिकॉम्बिनेंट को आप सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अभी भी हमारा प्लांट ब्रीडिंग कंप्लीट नहीं होता है, यहाँ पे हमें और भी प्रोसेस परफॉर्म करने पड़ते हैं। इसके बाद जो हमारा एडिशनल, जो अगला मेथड है, जो अगला स्टेप है, वो आपको पता होना चाहिए। सो द लास्ट स्टेप इज व्हाट, टेस्टिंग, रिलीजिंग एंड कॉमर्शियलाइजेशन। टेस्टिंग, रिलीजिंग एंड कॉमर्शलाइजेशन में आप क्या करते हैं, जो भी आपने सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट सिलेक्ट किया अभी भी आप उसकी टेस्टिंग करेंगे, अभी भी आपने वो फाइनल नहीं किया है, आप उसकी टेस्टिंग करेंगे रिसर्च फील्ड में। आप देखेंगे कि उसके लिए कितने फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए कितना इरिगेशन चाहिए, पानी की रिक्वायरमेंट कितनी है, फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, किस सॉइल के अंदर वो ग्रो कर सकता है, किस क्लाइमेटिक कंडीशन में वो ग्रो कर सकता है, किस सीजन में वो ग्रो कर सकता है, ये सारी कंडीशंस भी आपके माइंड में होनी चाहिए। तो उसको 3 different सीजन में ग्रो करा के देखा जाता है। आर यू गेटिंग ऑन नॉट? इसके अलावा ये टेस्टिंग है, इज दैट क्लियर? रिसर्च फील्ड में उसकी टेस्टिंग की जाती है कि क्या वो हमारे, जो हमारे करेक्टर्स माइंड में चल रहे हैं उस पर वो खरा उतरता है या नहीं उतरता है, तो ये सब देखा जाता है। तो टेस्टिंग करते हैं हम डिफरेंट सीजन में, राइट, डिफरेंट फर्टिलाइजर्स की प्रेजेंस में, डिफरेंट इरिगेशन के साथ, डिफरेंट वाटर सप्लाई पे, डिफरेंट मिनरल सप्लाई पे, हर तरीके से टेस्टिंग की जाती है। और जब आप रिसर्च फील्ड में, पहले उसकी टेस्टिंग रिसर्च फील्ड में करते हैं आप, उसके बाद वो टेस्टिंग करते हैं फार्मर फील्ड में। तो देश के कोने कोने में जो रिसर्चर्स होते हैं वो देश के कोने कोने में जाते हैं और फार्मर्स को वो हाइब्रिड सीड्स पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि इसको आप देखो, उसकी टेस्टिंग कराते हैं फार्मर्स को बोल के। तो फिर फार्मर्स फील्ड में उसकी टेस्टिंग होती है, और जब फार्मर्स फील्ड में भी वो अप्रूवल मिल जाता है उसको, तो उसके बाद ठीक है उसका कॉमर्शलाइजेशन किया जाता है। तो यहाँ पे जो काम करता है टेस्टिंग, रिलीजिंग एंड कॉमर्शलाइजेशन, ये करता है इंडिया में ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। सो दिस इज परफॉर्म्ड बाय, कौन परफॉर्म्ड करता है, दिस वर्क इज परफॉर्म्ड बाय ICAR, मतलब इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चरल रिसर्च बोलते हैं इसको, और ये फाइनल काम ये करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन करती है, इसमें जो लोग होते हैं वो करते हैं, एग्जैक्टली ऑल ऑफ यू। और उसके बाद जब वो पूरी तरीके से हमें सेटिस्फाई कर देता है, उसके बाद भी एक स्टेप रह जाता है, उसके बाद जो है हमारी कंट्री में एक नेशनल सीड कॉरपोरेशन है, उसका अप्रूवल चाहिए, उसके बाद NSC का अप्रूवल मिलता है, एट द एंड NSC का अप्रूवल मिलता है, और जब NSC का अप्रूवल मिल जाता है उसके बाद उसकी मार्केटिंग होती है, यानी कि उसका कॉमर्शलाइजेशन NSC के अप्रूवल के बाद होता है। उसके बाद एट द एंड अप्रूवल लिया जाता है किससे, NSC यानी कि नेशनल सीड कॉरपोरेशन से उसका अप्रूवल लिया जाता है। जो भी आपने सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट डेवलप किए तो उसमें सीड्स तो फॉर्मेशन होंगे, तो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन से अप्रूवल लिया जाता है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन से अप्रूवल लिया जाता है, और अप्रूवल लेने के बाद उसको मार्केट में कॉमर्शलाइजेशन के लिए सप्लाई कर दिया जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये हो गया आपका प्लांट ब्रीडिंग के मेथड्स। सबसे पहले जर्म क्लास कलेक्शन, फिर सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स सुपीरियर वैरायटी के आपने सिलेक्ट कर दिए, फिर क्रॉस हाइब्रिडेशन के डिफरेंट मेथड मैंने बता दिए आपको, और जब आपको सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट मिल गया उसके बाद आप उसकी प्योर लाइन क्रिएट करके देखते हैं कहीं कोई हार्मफुल करेक्टर तो एक्सपोज नहीं हो रहा है, क्या वो सारे डिजायरेबल करेक्टर डेवलप हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट आपने डेवलप किया तो ये कंपलसरी नहीं है कि आपको सारे डिजायरेबल करेक्टर्स मिले, कुछ अनडिजायरेबल करेक्टर्स भी मिल सकते हैं, जो अनडिजायरेबल करेक्टर होंगे उस हिसाब से फिर आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं, और अगर डिजायरेबल करेक्टर मिल जाते हैं उसके बाद फिर उसकी टेस्टिंग की जाती है, डिफरेंट सीजन में देखा जाता है उसको ग्रो करा के, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो करा के देखा जाता है, डिफरेंट सॉइल टेक्सचर में उसको ग्रो करा के देखा जाता है। तो सबसे पहले रिसर्च फील्ड में उसकी टेस्टिंग होती है, फिर फार्मर्स फील्ड में टेस्टिंग होती है, अगर वो टेस्टिंग के बाद खरा उतरता है तो फिर आप उसकी रिलीजिंग करते हैं,
ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस को परफॉर्म कौन करता है? ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और एट द एंड उस सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट के सीड्स का आप अप्रूवल लेते हैं NSC से, नेशनल सीड कॉरपोरेशन से। जब आपको अप्रूवल मिल जाता है उसके बाद उसको मार्केट में निकाल दिया जाता है, उसके बाद उस सीड का इस्तेमाल करके किसान खेती करता है। एग्जैक्टली तो ये हो गया प्लांट ब्रीडिंग। इसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द ग्रीन रिवोल्यूशन, सो लिसन केयरफुली। इसके बाद हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रीन रिवोल्यूशन, ध्यान दीजिए प्लीज, लिसन केयरफुली। ग्रीन रिवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति, हिंदी में इसको हरित क्रांति कहते हैं। रिवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो हमारी कंट्री में 3 टाइप्स के रिवोल्यूशन देखे गए हैं अभी तक। 3 टाइप्स के रिवोल्यूशन होते हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन एंड ब्लू रिवोल्यूशन। ब्लू रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर फिशरीज यानी कि सी फूड का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड ब्लू रिवोल्यूशन। व्हाइट रिवोल्यूशन अगर मिल्क प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उसे कहते हैं आप व्हाइट रिवोल्यूशन। इज दैट क्लियर? व्हाइट रिवोल्यूशन का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है डॉक्टर क्यूरिन को, राइट? डॉक्टर क्यूरिन को व्हाइट रिवोल्यूशन का क्रेडिट जाता है। उन्होंने एक ऑपरेशन फ्लड नाम का प्रोग्राम लॉन्च किया और उन्होंने आज का जो मॉडर्न इंडियन डेयरी सिस्टम है उसको डेवलप किया क्यूरिन ने, और उनको हम फादर ऑफ इंडियन डेयरी सिस्टम भी कहते हैं, मॉडर्न डेयरी सिस्टम ऑफ इंडिया। तो डेयरी का कॉमर्शलाइजेशन करने के पीछे जो हाथ था वो था क्यूरिन का, तो क्यूरिन को फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया या फादर ऑफ इंडियन डेयरी इन इंडिया कहा जाता है। ऐसे ही आता है ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब क्या है कि क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाना, पर यूनिट एरिया क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाना ही ग्रीन रिवोल्यूशन है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पर यूनिट एरिया क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाना ही ग्रीन रिवोल्यूशन है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। सो दिस इज द ग्रीन रिवोल्यूशन, दिस फेज, ग्रीन रिवोल्यूशन एक फेज को बोलते हैं, and this phase was increasing per unit yield, per unit area, increasing yield per unit area, per unit area में जो पैदावार बढ़ रही है, right, जो पैदावार बढ़ी उसे आपने green revolution का नाम दे दिया। हमारी कंट्री में जो पैदावार बढ़ी उसको आपने green revolution का नाम दे दिया। तो increasing yield पर यूनिट एरिया, राइट, तो जिस फेज में, जिस दौरान पर यूनिट एरिया पैदावार को बढ़ाया गया, यील्डिंग को बढ़ाया गया, क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाया गया, उस फेज को हम ग्रीन रिवोल्यूशन का नाम देते हैं। और ये जो फेज था ग्रीन रिवोल्यूशन का इन अवर कंट्री, हमारी कंट्री में ये ग्रीन रिवोल्यूशन का जो फेज था, ये फेज देखा गया 1960 के डिकेड में। दिस फेज वॉज developed in India in the decade of 1960. In India, the phase of Green Revolution was in 1960. 1960 के decade में भारत के अंदर हरित क्रांति आ गई। Are you getting a note? 1960 में भारत में हरित क्रांति आई। You know, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारी फूड डिमांड भी बढ़ती जा रही है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद इंडिया के सामने दो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी, एक तो बढ़ती हुई जनसंख्या और दूसरा फूड डिमांड। जनसंख्या बढ़ती जा रही थी लेकिन फूड डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही थी। उसके बाद 1960 में कुछ साइंटिस्ट की हेल्प से फूड डिमांड को पूरा किया गया, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया, पर यूनिट एरिया क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाया गया। अब जो हमारी समस्या थी, जो हमारी प्रॉब्लम थी कि फूड डिमांड पूरी नहीं हो पा रही थी, अब हमने इतना क्रॉप प्रोडक्शन किया, इतना फूड प्रोडक्शन किया कि हमने उस फूड को, खुद को तो, खुद की डिमांड को तो फुलफिल किया ही, साथ ही साथ उसको दूसरी कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट किया। देख लीजिए, हमने अपनी डिमांड को पूरा किया बट उसके साथ साथ दूसरी कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट किया, तो ये ग्रीन रिवोल्यूशन नहीं है तो क्या है? इज दैट क्लियर? तो दिस इज ग्रीन रिवोल्यूशन, कि हम अपनी भी डिमांड पूरी कर सके और सामने वाले को भी दे सके।
तो इट वॉज ग्रीन रिवोल्यूशन एंड इट वॉज डन इन 1960 विद द हेल्प ऑफ सम साइंटिस्ट दैट आई विल डिस्कस इन डिटेल। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है, मैं लिख भी देता हूं इस पॉइंट को, इंडिया इज एग्रीकल्चर कंट्री। हमारा जो देश है भारत, इंडिया, ये एग्रीकल्चर कंट्री है। इसको एग्रीकल्चर कंट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी कंट्री की लगभग 33% जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर से है। ध्यान दीजिएगा, 33% जीडीपी ऑफ अवर कंट्री इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये डाटा आपको याद रखना है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर। हमारी कंट्री में जितनी भी जीडीपी डेवलप होती है उसकी 33% जीडीपी ओनली कंट्रीब्यूटेड बाय द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के कंट्रीब्यूशन से 33% जीडीपी डेवलप होती है हमारी कंट्री की, और 60% एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, और टोटल एम्प्लॉयमेंट का 60% एम्प्लॉयमेंट किसमें है, एग्रीकल्चर में। यानी कि हमारे देश की कुल आबादी का 60% भारतीय, 60% जो एम्प्लॉयमेंट है, 60% एम्प्लॉय जो है वो एग्रीकल्चर फील्ड में लगे हुए हैं, तो ये रोजगार देती है 60%, यानी कि बहुत बड़ा है अपने आप में ये। तो 60% पीपल ऑफ द कंट्री आर बिजी इन एग्रीकल्चर, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो 60% एम्प्लॉयमेंट, टोटल एम्प्लॉयमेंट का 60% एम्प्लॉयमेंट किसमें है, एग्रीकल्चर में। 33% जीडीपी एग्रीकल्चर से डेवलप होती है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन इट वॉज डन इन 1960। अब ऐसा क्या था कि हमारी कंट्री ये सारी प्रॉब्लम फेस कर रही थी, फूड रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रही थी, वीट की इतनी आबादी नहीं थी, देश में अकाल पड़ गया था, अमेरिका से, यूएसए से एक्सपोर्ट, हमें इंपोर्ट करना पड़ा वीट बिफोर ग्रीन रिवॉल्यूशन। लेकिन आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन हमने एक्सपोर्ट किया, ठीक है। तो वीट प्रोडक्शन, टोटल क्रॉप प्रोडक्शन बहुत कम था, कल्टिवेटेड लैंड बहुत कम था, लैंड जो है वो कल्टीवेशन के लायक नहीं था, उसके बाद लैंड को कल्टीवेशन के लायक बनाया गया, और भी काफी सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके ग्रीन रिवॉल्यूशन को डेवलप किया गया इंडिया में। लेकिन ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन डेवलप हुआ इंडिया में, इसके पीछे काफी साइंटिस्ट के हाथ थे, काफी सारे साइंटिस्ट, काफी सारे इंडियन साइंटिस्ट, इवन फॉरेनर साइंटिस्ट भी थे जिन्होंने हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन को डेवलप किया गया, और देश की सबसे बड़ी समस्या जो कि बेसिक नीड होती है फूड, उसको दूर किया गया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहां पे कुछ साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है ग्रीन रिवॉल्यूशन में, जैसे कि साइंटिस्ट नंबर वन, पहले साइंटिस्ट के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नॉर्मन ई बोरलॉग, या नॉर्मन बोरलॉग भी कहते हैं, ये कुछ साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन था ग्रीन रिवॉल्यूशन में। नॉर्मन ई बोरलॉग, इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इन्होंने वीट की कुछ इंप्रूव वैरायटी को डेवलप किया था, ठीक है, और वीट के प्रोडक्शन को बढ़ाने में इनका सबसे बड़ा हाथ था, इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। इन्होंने एग्जैक्टली क्या किया, कौन सी सुपीरियर वैरायटी को डेवलप किया, दैट आई विल डिस्कस लेटर, ठीक है। तो यहां पे चलिए मैं बता भी देता हूं, नॉर्मन, इनका नाम है नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन है वीट के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। एग्जैक्टली इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या काम किया, ही डेवलप्ड सेमी ड्वार्फ वैरायटीज ऑफ वीट, सेमी ड्वार्फ वैरायटीज ऑफ वीट को डेवलप किया गया जो कि अपने आप में एक सुपीरियर वैरायटीज कंसीडर की जाती है। सेमी ड्वार्फ वैरायटी का मतलब यह है, पहले जो वीट प्रोडक्शन होता था, वीट के जो लेंथ होती थी, वीट के जो स्टेम की लेंथ होती थी वो बहुत ज्यादा होती थी, तो ज्यादा स्टेम की लेंथ आने होने की वजह से वो जो है वीक पड़ जाते थे और फसलों का यानी कि वीट का जो है मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते थे, राइट, क्योंकि जितना लंबा तना होगा, पतला सा तना होता है वीट का, तो स्ट्रॉन्ग विंड फ्लो की वजह से वो सारे एक तरफ ढह गए, राइट, तो उसकी वजह से इफेक्ट पड़ा। दूसरा, सेमी ड्वार्फ वैरायटी होने की वजह से ग्रेन्स, राइट, ग्रेन्स के साइज, इस सेमी ड्वार्फ वैरायटी में ग्रेन्स के साइज को भी बढ़ाया, यानी कि इसका जो साइज था, इसके स्टेम की लेंथ नॉर्मल जो वीट का स्टेम था उससे कहीं ज्यादा कम थी, लेकिन इसमें ग्रेन्स जो है वो ज्यादा थे,
राइट। और ये ज्यादा एबायोटिक रेजिस्टेंट वैरायटी थी, ये डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी थी जो कि इन्होंने डेवलप की। यानी कि सारे डिजायरेबल कैरेक्टर इस सेमी ड्वार्फ वैरायटीज में, इन सेमी ड्वार्फ वैरायटीज में नॉर्मन ई बॉर्लॉग ने डेवलप किए गए, नॉर्मन ई बॉर्लॉग ने डेवलप किए इन सेमी ड्वार्फ वैरायटीज में सारे डिजायरेबल कैरेक्टर। तो ये जो वैरायटी थी नॉर्मन ई बॉर्लॉग ने डेवलप की, इनका नाम था, इसका नाम था लर्मा, सोनोरा, लर्मा रोजो सोनोरा 64। आर यू गेटिंग ऑन? लर्मा रोजो सोनोरा 64, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ये लर्मा 64 था, सोनोरा रोजो था। इट वॉज लर्मा 64, ये दो वैरायटी डेवलप की, एंड सोनोरा। तो इन दोनों वैरायटी को इन्होंने डेवलप किया नॉर्मन ई बॉर्लॉग ने, लर्मा 64 एंड सोनोरा रोजो। ये दो वैरायटी थी सेमी ड्वार्फ वैरायटी जिसकी वजह से वीट प्रोडक्शन बढ़ा। इन दोनों वैरायटी को उन्होंने डेवलप किया इंटरनेशनल राइट वीट एंड मेज इंप्रूवमेंट सेंटर एट मैक्सिको। तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन ये था। इसके बाद इंडिया में कॉन्ट्रीब्यूशन किसका था ये भी मैं आपको बताया था। एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था MS स्वामीनाथन, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। MS स्वामीनाथन ये हमारे एक साइंटिस्ट थे, MS स्वामीनाथन अभी भी है ये। तो MS स्वामीनाथन ने को आप फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं, इनको आप फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। Is that clear? इनको फादर ऑफ मोटेशनल ब्रीडिंग भी कहते हैं, इनको फादर ऑफ मोटेशनल ब्रीडिंग भी कहते हैं। मोटेशनल ब्रीडिंग, मोटेशन मैंने एक टॉपिक आपको जेनेटिक्स में पढ़ाया था तो उसमें भी मैंने इनके बारे में डिस्कस किया था। MS स्वामीनाथन ने मोटेशन इंड्यूस करके राइट इन दोनों सेमी ड्वार्फ वैरायटी को MS स्वामीनाथन इंडिया में लेके आए, ठीक है। और बॉर्लॉग के कोलैबोरेशन से, बॉर्लॉग के कोलैबोरेशन से राइट उन्होंने इन दोनों वैरायटी को एक सुपीरियर वैरायटी में डेवलप किया गया इंडिया में। तो यहां पे वर्ल्ड में जो सुपीरियर वैरायटी डेवलप की वीट की, वो डेवलप की नॉर्मन ई बॉर्लॉग ने, जिसका नाम था लर्मा 64 सोनोरा रोजो। इज दैट क्लियर? तो ये दो वैरायटी डेवलप की। अब इन दोनों वैरायटी में म्यूटेशन इंड्यूस किया MS स्वामीनाथन ने, MS स्वामीनाथन ने म्यूटेशन इंड्यूस करके इन दोनों वैरायटी को इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से डेवलप कर दिया। और इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से डेवलप करने के बाद इन्होंने दो वैरायटी डेवलप की, एक थी सरबती सोनोरा और दूसरी थी पूसा लर्मा। तो इन्होंने म्यूटेशन इंड्यूस किया गामा म्यूटेशन, कौन सा म्यूटेशन? गामा म्यूटेशन। तो इन्होंने जो है, जो सोनोरा रोजो है और लर्मा 64, इन दोनों में गामा म्यूटेशन इंड्यूस किया, गामा रेज इंड्यूस की। और इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से सरबती सोनोरा जैसी वैरायटी और पूसा लर्मा जैसी वैरायटी को इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से डेवलप कर दिया। तो इनको क्रेडिट जाता है फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्योंकि सरबती सोनोरा और पूसा लर्मा जैसी कंडीशन वैरायटी को इन्होंने डेवलप किया म्यूटेशन इंड्यूस करके सोनोरा रोजो एंड लर्मा 64 जैसी वैरायटी में। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद ये थे MS स्वामीनाथन का कॉन्ट्रीब्यूशन। इसके बाद और भी साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशन थे ग्रीन रिवॉल्यूशन को डेवलप करने में, जैसे कि एक थे सुखदेव सिंह खुश, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सुखदेव सिंह खुश। ही वॉज दी सुखदेव सिंह खुश जो है राइट हेड ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेड थे और उन्होंने राइस की वैरायटी को डेवलप किया IR36 सुपीरियर वैरायटी ऑफ राइस। इस सुपीरियर वैरायटी ऑफ राइस को इन्होंने डेवलप किया जिसकी वजह से राइस प्रोडक्शन बढ़ने में भी मदद मिली।
तो इनका भी अपना एक कंट्रीब्यूशन था, सुखदेव सिंह खुश का। तो सुखदेव सिंह खुश ने IR36 नाम की वैरायटी को डेवलप किया, जो कि एक सुपीरियर वैरायटी ऑफ राइस थी, जिससे राइस प्रोडक्शन बढ़ने में मदद मिली। तो इनका भी अपने आप में ग्रीन रिवॉल्यूशन में एक कंट्रीब्यूशन था इन इंडिया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एस के वसील नाम के एक साइंटिस्ट थे। ये मेज ब्रीडर थे। क्या थे ये? मेज ब्रीडर। इन्होंने बायोफोर्टिफाइड मेज का डेवलपमेंट किया। तो ये साइंटिस्ट थे जिनका अपने आप में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है ग्रीन रिवॉल्यूशन में, इसलिए इनके बारे में जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि इनके बिना ग्रीन रिवॉल्यूशन अधूरा है। इज दैट क्लियर? क्योंकि अगर ये नहीं होते तो ग्रीन रिवॉल्यूशन डेवलप नहीं होता। तो इन तीनों साइंटिस्ट को, इन चारों साइंटिस्ट को क्रेडिट जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। तो एस के वसील के बारे में बता रहा था आपको, मेज ब्रीडर, इनको मेज ब्रीडर कहते हैं, और इन्होंने डेवलप किया, ही डेवलप बायोफोर्टिफाइड मेज वैरायटी। इन्होंने एक बायोफोर्टिफाइड मेज वैरायटी को डेवलप किया दैट वॉज रिच इन ट्रिप्टोफन एंड लाइसिन, जो कि ट्रिप्टोफन एंड लाइसिन में रिच थी। इट वॉज रिच इन ट्रिप्टोफन एंड लाइसिन, जैसे अमीनो एसिड में रिच था बायोफोर्टिफाइड मेज, जो कि एस के वसील ने डेवलप किया। तो इनको भी इनका भी एक कंट्रीब्यूशन रहा है ग्रीन रिवॉल्यूशन में। तो इसलिए इन सब के बारे में जानना बहुत जरूरी था। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब, फिर से बताता हूं, इंक्रीजिंग पर यूनिट एरिया। तो पर यूनिट एरिया में पैदावार को कैसे बढ़ाया, ठीक है। इंडिया जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद, इन साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन के बाद, इससे पहले इंडिया को कंसिडर किया जाता था बाउल बैगिंग के नाम से कंसीडर किया जाता है इंडिया को। यानी कि इंडिया, इट वाज लाइक बाउल बैगिंग, यानी कि बाउल मतलब होता कटोरा और बैगिंग मतलब मांगना। तो बाउल बैगिंग सिचुएशन से इन्होंने इंडिया को कन्वर्ट कर दिया ब्रेड बाउल सिचुएशन में, इन साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन से। ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब इंडिया की जो कंडीशन थी वो थी बैगिंग बाउल जैसी, अब ब्रेड बाउल में इंडिया को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया इन तीनों साइंटिस्ट ने, इन चारों साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन से। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग यील्ड पर यूनिट एरिया, यील्ड पैदावार बढ़ी, और जिस फेज में पैदावार बढ़ी उस फेज को ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। 1960 के डिकेड में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, और ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है इंडिया में 1960 के डिकेड में हुआ। जैसे कि आप जानते हैं इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है, ठीक है, और 33% GDP ऑफ आवर कंट्री कम फ्रॉम एग्रीकल्चर, 60% एम्प्लॉयमेंट जो है एग्रीकल्चर में है। तो ये भी आपको डाटा याद रखना है। इसके अलावा ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहा, उसमें सबसे ऊपर जो नाम आता है नॉर्मन ई बोरलॉग का। नॉर्मन ई बोरलॉग को आप फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। उन्होंने सुपीरियर वैरायटी की वीट को डेवलप किया मैक्सिको में। कहां? मैक्सिको में, लर्मा रोजो एंड सोनोरा 64। लर्मा रोजो सोनोरा 64, ये मैंने यहां पे बाय मिस्टेक उल्टा लिखा है बेटा, इसको सही करना। सोनोरा 64 था, लर्मा रोजो था, ठीक है, हालांकि मैंने पहले सही लिखा था, सोनोरा 64 एंड लर्मा रोजो, ठीक है, यहां पे भी करेक्ट करो। तो सोनोरा 64 और लर्मा रोजो जैसी वैरायटी को उन्होंने डेवलप किया, ठीक है। तो उसके बाद एम एस स्वामीनाथन को फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं, क्योंकि उन्होंने नॉर्मन ई बोरलॉग को इंडिया में वो लेके आए, सेमी ड्वार्फ वैरायटीज को इंडिया में लेके आए, और उनके कोलैबोरेशन से म्यूटेशन इंड्यूस किया मैक्सिकन वीट वैरायटी में, मैक्सिकन सेमी ड्वार्फ वैरायटी में, सोनोरा 64 और लर्मा रोजो में। वाई रेज इंड्यूस की, म्यूटेशन इंड्यूस करने के बाद सुपीरियर वैरायटी की, इंडियन सेमी ड्वार्फ वैरायटीज डेवलप की, सरबती सोनोरा एंड पूसा लर्मा। उसके बाद सुखदेव सिंह ने IR36 नाम की सुपीरियर वैरायटी ऑफ राइस डेवलप की। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जो कि इनका भी अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन में। इसके अलावा एस के वसील जो है, ये मेज ब्रीडर थे, इन्होंने बायोफोर्टिफाइड मेज का डेवलपमेंट किया, और ये जो बायोफोर्टिफाइड मेज था इट वॉज वेरी रिच इन ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब कुछ और मैं डाटा बताता हूं आपको दैट वॉज रिलेटेड टू द ग्रीन रिवोल्यूशन, दैट इज रिलेटेड टू द ग्रीन रिवोल्यूशन। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, सो लिसन केयरफुली। सम अदर डाटा रिलेटेड टू द ग्रीन रिवोल्यूशन, तो ध्यान दीजिए। यहां पे मैं कुछ क्रॉप वैरायटीज की बात कर रहा हूं, ठीक है, जिसके इंप्रूवमेंट की वजह से इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ और हमारी फूड डिमांड पूरी हुई।
तो इन क्रॉप वैरायटीज के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। तो याद रखिएगा इन क्रॉप वैरायटीज को, लिसन केयरफुली, ध्यान दो प्लीज। तो मैं वन बाय वन ये सारी वैरायटीज डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहली जो वैरायटी थी हमारी, सबसे पहले मैं व्हीट के बारे में डिस्कस करूंगा, फिर आई विल कम टू दी राइस, देन सुगर केन, देन आई विल कम टू दी मिलेट्स। तो इन कुछ वैरायटीज के बारे में मैं यहां पे डिस्कस करने जा रहा हूं, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से समझ आ जाए आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन में एग्जैक्टली क्या क्या हुआ, किस तरीके से ये वैरायटीज जो हैं, इन वैरायटीज ने, ये जो हाईली मॉडिफाइड वैरायटीज थी, किस तरीके से इन्होंने हमारी फूड डिमांड को पूरा किया और किस तरीके से इनका डेवलपमेंट हुआ, तो इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, राइट? क्योंकि इनके बिना ग्रीन रिवॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, लिसन केयरफुली। तो इसके बाद है, What I'm saying, देखो, अब ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960 के डिकेड में स्टार्ट हुआ। मैंने बोला कि 1960 से पहले इंडिया की जो कंडीशन थी लाइक ए बैगिंग बाउल, और 1960 के डिकेड के बाद इंडिया की जो कंडीशन है वो बदल गई, वो ब्रेड बाउल में कन्वर्ट हो गई। यानी कि अब इंडिया ने ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद, ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले इंडिया में क्रॉप्स प्रोडक्शन कम था, तो हम बाहर से एक्सपोर्ट करने का काम करते थे, बाहर से इंपोर्ट करते थे। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद कंडीशन बिल्कुल ही पलट गई। अब हम जो है अपनी डिमांड भी पूरी कर रहे हैं और साथ के साथ दूसरी कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इट वॉज ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो टोटल प्रोडक्शन हुआ, तो यहाँ पे एक डाटा एनसीईआरटी में दिया है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। तो एक डाटा है, याद रखिएगा, इन 1960, राइट, इन 1960 में वीट जो प्रोडक्शन था वो 11 मिलियन टन था 1960 में। 2000 में ये प्रोडक्शन बढ़ के 75 मिलियन टन हो गया, लगभग 7 गुना के आसपास। तो मोर देन 6 टाइम्स वीट प्रोडक्शन बढ़ा। 11 मिलियन टन से बढ़ के 1960 में इंडिया की कंडीशन ये थी कि 11 मिलियन टन का प्रोडक्शन था, और इन ईयर 2000 में 75 मिलियन टन हो गया, यानी कि लगभग मोर देन 6 टाइम्स वीट प्रोडक्शन हमने बढ़ाया। तो इट वॉज वीट प्रोडक्शन कंडीशन इन इंडिया। तो ये वीट प्रोडक्शन था इंडिया में 1960 में, कितना कम था देखिए, 11 मिलियन टन, और 2000 में 75 मिलियन टन हो गया। ऐसे ही राइस का यहाँ पर कुछ डाटा दिया हुआ है। राइस, इट वॉज प्रोडक्शन, राइस प्रोडक्शन इंडिया में 35 मिलियन टन था एट द टाइम ऑफ 1960। इंडिया में राइस प्रोडक्शन जो था वो 35 मिलियन टन था। अब वो 35 मिलियन से बढ़ के ईयर 2000 में वो जो उसका प्रोडक्शन बढ़ा वो 89.5 मिलियन टन हो गया, यानी मोर देन टू टाइम्स, दो गुना ज्यादा से भी ज्यादा यहाँ पे राइस प्रोडक्शन हुआ। तो ये कुछ डाटा था, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इट इज ऑल्सो गिवन इन एनसीईआरटी बुक, इज दैट क्लियर? अब देखिए कुछ ड्वार्फ वैरायटीज के बारे में डिस्कस करते हैं, लिसन केयरफुली। ड्वार्फ वीट के बारे में डिस्कस करते हैं। ड्वार्फ वीट जो वैरायटीज हैं, ये सुपीरियर वैरायटी थी, और जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, नॉर्मन ई बोरलॉग का ग्रीन रिवॉल्यूशन में कंट्रीब्यूशन रहा है लीफ वीट को डेवलप करने में। नॉर्मन ई बोरलॉग ने वीट की दो वैरायटीज को डेवलप किया, लर्मा रोजो एंड सोनोरा 64, ठीक है, और उन दोनों वैरायटी की वजह से वीट प्रोडक्शन ओवरऑल बढ़ा। तो ये स्टेटमेंट एक बार फिर से लिख देता हूं, नॉर्मन ई बोरलॉग डेवलप दी सेमी ड्वार्फ वैरायटीज ऑफ वीट कहां पे डेवलप की, इन इंटरनेशनल सेंटर ऑफ वीट एंड मेज इंप्रूवमेंट। कहां पे, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ वीट एंड मेज इंप्रूवमेंट। तो वीट एंड मेज इंप्रूवमेंट के इंटरनेशनल सेंटर जो कि मैक्सिको में है, तो मैक्सिको में पहली बार दो वैरायटी डेवलप की, और ये द्वार वैरायटी कौन थी, मैं फिर से बता रहा हूं, लर्मा रोजो, और दूसरी वैरायटी कौन थी, दूसरी वैरायटी कौन सी थी, सोनोरा 64। तो इन दोनों सेमी ड्वार्फ वैरायटीज को नॉर्मन ई बोरलॉग ने मैक्सिको के
इंटरनेशनल सेंटर ऑफ वीट एंड मेज इंप्रूवमेंट सेंटर पे इन्होंने डेवलप किया इन दोनों वैरायटी को। उसके बाद इन दोनों वैरायटी से इंडिया में सेमी ड्वार्फ वैरायटी डेवलप हुई। इनके साथ कोलैबोरेशन के साथ जो है एम एस स्वामीनाथन ने जो कुछ वैरायटीज जो है डेवलप की, जिनके नाम मैं आपको बता चुका हूँ, सरबती सोनोरा एंड इसके अलावा कौन सी बताई थी मैंने, पूसा लैरमा जैसी वैरायटी। इसके बाद लेटर इन द ईयर ऑफ 1963 1963 में एक कुछ दो वैरायटीज और डेवलप हुई इसकी, किसकी, वीट की वैरायटीज को जो है डेवलप किया गया इन इंडिया। ये एग्जाम में आ जाती है चीजें। इन इंडिया इन 1963 टू वैरायटीज डेवलप की गई। इन वैरायटीज का नाम आपको याद होना चाहिए, पहली थी कल्याण सोना और दूसरी थी सोनालिका, ठीक है। तो इन दोनों वैरायटी को इंडिया में लेके आया गया, सेमी ड्वार्फ वैरायटी को, और इनको म्यूटेट करके इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से और इंडिया में सेमी ड्वार्फ वैरायटीज ऑफ वीट को डेवलप किया। उसमें कुछ एग्जांपल थे कल्याण सोना एंड सोनालिका, बाकी पूसा लेरमा एंड सरबती सोनोरा तो मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। तो इसकी वजह से इंडिया में वीट प्रोडक्शन बढ़ा। अभी जो सेमी ड्वार्फ वैरायटी का एक पर्टिकुलर जीन होता है जिसकी वजह से सेमी ड्वार्फ वैरायटी डेवलप होती है, तो ये जीन को इंट्रोड्यूस किया गया था एग्जैक्टली, और ये जीन की जो डिस्कवरी हुई वो जापान में हुई। जीन का नाम भी आप याद रखिएगा, ध्यान दीजिए, मैं लिख देता हूं यहां पे। तो यहां पे जो जीन ऑफ सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ वीट था, जीन ऑफ सेमी ड्वार्फ वीट वैरायटी, तो जीन ऑफ सेमी ड्वार्फ वीट वैरायटी का जो नाम था, ये नाम आप याद रखिएगा, नोरिन 10 नाम का जो जीन था, नोरिन 10 नाम का एक जीन था सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ वीट का, राइट। दिस नोरिन 10 इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ वीट, और इसकी वजह से सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ वीट को डेवलप किया गया। तो वीट की वैरायटी में इस जीन को इंट्रोड्यूस किया, और इस जीन की जो डिस्कवरी हुई थी, नोरिन 10 नाम की जीन की जो डिस्कवरी हुई थी, इट वाज डिस्कवर्ड इन जापान, इसको जापान में डिस्कवर किया गया, इस वैरायटी को जापान में डिस्कवर किया गया। तो ये हो गया आपका सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ वीट। ऐसे कुछ ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस की हम बात कर लेते हैं। ड्वार्फ राइस की बात कीजिए, देखिए अगर हम ड्वार्फ राइस वैरायटी की बात करें, तो यहाँ पे जो ड्वार्फ राइस वैरायटी है, तो जो मोस्ट पॉपुलर ड्वार्फ राइस वैरायटी है, इसमें आपका आता है IR8 एंड IR24। तो ये कुछ वैरायटीज हैं IR8 एंड IR24। तो पहली जो सेमी ड्वार्फ वैरायटीज थी, फर्स्ट सेमी ड्वार्फ वैरायटीज ऑफ राइस वॉज डेवलप्ड इन IRRI। पहली राइस की सेमी ड्वार्फ वैरायटी को जो डेवलप किया गया IRRI, मतलब इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस में डेवलप किया गया, किसमें, फिलीपींस में डेवलप किया गया। इज दैट क्लियर? इस इंस्टीट्यूट के अंदर सेमी ड्वार्फ वैरायटीज ऑफ राइस को, जिससे कि राइस के प्रोडक्शन को बढ़ाया गया। इसके अलावा यहां पे और भी राइस की वैरायटीज को इंडिया में सेमी ड्वार्फ राइस की जो वैरायटी को डिराइव किया गया, वो डिराइव किया ताइचुंग नेटिव 1 से और IR8 से। इंडियन सेमी ड्वार्फ वैरायटीज ऑफ राइस, राइस की इंडियन सेमी ड्वार्फ वैरायटीज जो है डिराइव फ्रॉम, इसको जो डिराइव किया गया, डिराइव फ्रॉम कौन कौन सी वैरायटी से डिराइव किया गया, IR8 से डिराइव किया गया। इसके अलावा इसको डिराइव किया गया एक वैरायटी से, ताइचुंग नेटिव 1। तो ताइचुंग नेटिव 1 ये कहां की वैरायटी थी, ये ताइवान की वैरायटी थी। तो वर्ल्ड की सबसे पहली सेमी ड्वार्फ वैरायटी राइस की IR8 एट IR24 इट वॉज डेवलप्ड इन फिलीपींस, इंडिया इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRI भी बोलते हैं इसको, फिलीपींस में इसको डेवलप किया। और इंडिया में जो सेमी ड्वार्फ वैरायटी डिराइव्ड हुई वो IR8 और ताइचुंग नेटिव वन जो कि ताइवान की वैरायटी है, इनसे डिराइव की गई। तो यहां पे इंडियन कुछ सेमी ड्वार्फ वैरायटीज के मैं एग्जांपल ले देता हूं। इंडियन ड्वार्फ वैरायटीज ऑफ राइस जैसे कि इसमें था जया एंड रत्ना, दीज आर मेंशन इन योर NCERT बुक, तो इनको याद रखना है। और यहां पे जैसे कि मैंने आपको बताया
कि नोरिन 10 नाम का जीन डिस्कवर हुआ जापान में, जिसकी वजह से वीट की सेमी ड्वार्फ वैरायटी डेवलप हुई। ऐसे ही यहां पे एक जीन और था जिससे कि सेमी ड्वार्फ वैरायटी राइस की डेवलप हुई। राइस के लिए भी सेमी ड्वार्फ वैरायटी को डेवलप करने वाला एक जीन था, उसका नाम भी मैं आपको बता देता हूं। तो उसका जो नाम है ये मैं आपको बता रहा हूं, लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिएगा। तो जीन ऑफ सेमी ड्वार्फ राइस वैरायटी, ये भी आपको लिख लेना चाहिए। तो ये जो जीन ऑफ ड्वार्फ राइस था, इसका नाम क्या था? डी जियो वु जैन। तो डी जियो वु जैन नाम का ये जीन था, डी जियो वु जैन नाम का ये जीन था, जिसको कि राइट, जो कि एक सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस का जीन है, इससे सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस डेवलप होती है। तो ये हो गया राइस। राइस के बाद अगला है, अगली जो वैरायटी मैं बता रहा हूं, शुगर केन। इंडिया में पाई जाने वाली शुगर केन की दो वैरायटी है, मैं नाम लिख देता हूं, सैकेरम बारबेरी, सैकेरम बारबेरी। ये नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, नॉर्थ इंडिया में। ये पुअर शुगर कंटेंट होता है इसमें। इसमें शुगर कंटेंट क्या होता है? पुअर होता है, कम होता है शुगर कंटेंट, ठीक है। एक दूसरी वैरायटी है सैकेरम ऑफिसिनेरम, ये साउथ इंडिया में पाई जाने वाली वैरायटी है, ठीक है। इसमें हाई शुगर कंटेंट होता है, गुड शुगर कंटेंट है, हाई शुगर कंटेंट्स होते हैं इसमें, और इसके अलावा यहां पे थिक स्टेम होता है। तो दोनों में अगर देखा जाए, सैकेरम बारबेरी और सैकेरम ऑफिसिनेरम, शुगर केन की दो वैरायटी पाई जाती है इंडिया में। सैकेरम बारबेरी उत्तर प्रदेश नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है। इसकी खास बात क्या है? इसकी कोई खास बात नहीं है, इसमें पुअर शुगर कंटेंट होते हैं, थिन स्टेम होता है, जो कि बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। उसके बाद जो दूसरी वैरायटी है सैकेरम ऑफिसिनेरम, हाई शुगर कंटेंट होते हैं, थिक स्टेम होता है, बहुत ही फायदेमंद शुगर केन की वैरायटी है ये। तो अब हमने क्या काम किया, इन दोनों वैरायटी को क्रॉस करा के एक इंटरमीडिएट वैरायटी को डेवलप किया, क्योंकि सैकेरम ऑफिसिनेरम एक सुपीरियर वैरायटी है। बट उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि उसको आप नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं करा सकते, क्योंकि नॉर्थ इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, वहां पे विंटर सीजन होता है, तो विंटर सीजन में ग्रो नहीं कर पाता है सैकेरम ऑफिसिनेरम। तो साइंटिस्ट ने क्या काम किया, इन दोनों शुगर केन को, सैकेरम बारबेरी जो पुअर शुगर कंटेंट वाला है, सैकेरम ऑफिसिनेरम जो हाई शुगर कंटेंट वाला है, उन दोनों की क्रॉसिंग करा के एक इंटरमीडिएट, एक हाइब्रिड वैरायटी को डेवलप कर दिया गया, जिसकी जिस हाइब्रिड वैरायटी ने सैकेरम बारबेरी जो पुअर शुगर कंटेंट है उसको रिप्लेस कर दिया, क्योंकि जो हाइब्रिड वैरायटी डेवलप हुई वो हाई शुगर कंटेंट के साथ, थिक स्टेम के साथ डेवलप हुई। तो ये भी एक ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक एग्जांपल है, सैकेरम ऑफिसिनेरम और बारबेरी में क्रॉस करा के एक इंटरमीडिएट ब्रिड तैयार की, जो कि सैकेरम बारबेरी से मच बेटर थी और नॉर्थ इंडिया में ग्रो हो जाती थी और शुगर कंटेंट भी उसके हाई थे। तो ये भी एक एग्जांपल है। एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मिलेट्स भी डेवलप किए गए। मिलेट्स में आता है जैसे ज्वार, बाजरा और मेज, ये मिलेट्स की वैरायटी है। तो मिलेट्स की भी सेमी ड्वार्फ वैरायटीज को डेवलप किया गया, और ये मिलेट्स की जो सेमी ड्वार्फ वैरायटी थी, ज्वार, बाजरा एंड मेज, ये क्या थी? रेजिस्टेंट टू वाटर स्ट्रेस। जैसे कि आपको बताया है, ज्वार, बाजरा और मेज कम पानी में उगते हैं, लेकिन कभी कभी कम पानी भी अवेलेबल नहीं होता है, राइट, पानी की मात्रा बहुत कम होती है, तो इनकी पैदावार नहीं हो पाती है। तो ऐसे केस में इनकी सेमी ड्वार्फ वैरायटीज को डेवलप किया गया, मिलेट्स की, ज्वार, बाजरा और राजमा की, और यहां पे इनको वाटर रेजिस्टेंट, मतलब वाटर स्ट्रेस रेजिस्टेंट बना दिया। इसके साथ ग्रीन रिवॉल्यूशन इज डन।
इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा अबाउट मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग में, कन्वेंशनल मेथड, म्यूटेशनल ब्रीडिंग मेथड, इनके बारे में डिस्कस करूंगा मेरी अगली क्लास में। और इसके अलावा मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, और आपका पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट हो गया, डिजी रेजिस्टेंट प्लांट हो गया, तो ये सब मैं अगली क्लास में डिस्कस करने वाला हूं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। इसको यहां तक पढ़ गया ना, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।